देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूँ सदानंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिद्धौर प्रखंड के पूर्वी गुगुलटी पंचायत के कुड़ेला गांव में। ये स्कूल की तस्वीर ये है कि आज स्कूल परिसर में एक बच्चा पढ़ने आने के दरमियान छत पे गिर जाने से काफ़ी चोट आई है और गंभीर अवस्था में बच्चा को अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन यहाँ ग्रामीण इतनी आक्रोश है कि लगातार आरोप लग रहा है शिक्षक हो या तो यहाँ के हेडमास्टर हो, एक मतलब कि ग्रामीणों का एक जरा नहीं सुनते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लगातार ग्रामीण आक्रोश है कि सबसे बड़ी बात है कि मानवता के नाते शिक्षक को कम से कम उसको इलाज करवाना चाहिए था, लेकिन आक्रोश के डर से या तो जो भी हो शिक्षक लोग उस बच्चे को इलाज कराना मुनाफिक नहीं समझा। मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यही वो विद्यालय है कि देख सकते हैं कि किस तरह से यही वो छत है, यहीं से वो गिरा था और लोग काफ़ी आक्रोश है। और परिस्थिति यह है कि इस विद्यालय का जीर्णोद्धार भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से घर गया ना ही यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, ना ही तो लोग काफ़ी परेशानी में है। मैं तमाम तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरह से लोग यहाँ आक्रोश है। मैं कुछ लोगों से भी बात किया हूँ, मैं भी उसे भी दिखाऊँगा। वो बच्चा है संजीव कुमार, कहाँ पद स्थापित है? उत्तर कुमार विद्यालय कुड़ीला में। कितने बजे आया स्कूल? लगभग 10:30 बजे। स्कूल 10:30 बजे? हाँ। टाइमिंग क्या है लगा स्कूल का? ये आनंद सर का परिवार में कोई स्पैक कर गया है, वो चाबी लेने के लिए ऑफिस का हम घर गए जिसके कारण थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, तब जो बच्चा गिरा उसके इलाज के लिए आप लोग कुछ किए थे क्या? हम मेरे आने से पहले इस तरह की बातें हो चुका था और वो स्कूल में नामांकित बच्चा नहीं है। अच्छा, मानवता के लिए क्या करना चाहिए? उस बच्चे को इलाज करवाना चाहिए या तो छोड़ देना चाहिए? गांव के एक डॉक्टर हैं प्रकाश सर, उनसे उनको बुला के फर्स्ट ट्रीटमेंट किया गया। आप एक शिक्षक हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, इसके बाद बच्चा गिरा पड़ा है लेकिन आप लोग कोई जिम्मेवारी नहीं समझे? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर को बुला के फर्स्ट ट्रीटमेंट किया गया। बच्चे की स्थिति देख रहे हैं क्या है? मेरा गांव के बीच में स्कूल है, थोड़ा बच्चा खेलने के लिए आ जाता है। अगर इस परिस्थिति में आपकी बच्ची होते तो क्या उसको इलाज करवाते या नहीं करवाते? तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है करवाएंगे। मैं जो देखा हूँ बच्चे का स्थिति काफ़ी दयनीय है, उसे पहले इलाज की जरूरत थी, लेकिन आप लोग शिक्षक होने के नाते इस जिम्मेवारी को नहीं समझे? नहीं, मैंने क्या हम लोग को सटने नहीं दे रहा था। क्या प्रभारी महोदय नहीं आए हैं? नहीं, उनके परिवार इंस्पायर कर गया है, उसी वजह से थोड़ा चाबी लेने के लिए ऑफिस का गया था, उसी में थोड़ा लेट। लगातार इस स्कूल में इसी तरह का मामला सामने? नहीं 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 नहीं, हम बच्चे लोग से पूछ सकते हैं, हम टाइम पे आते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, पूछ लीजिए जो भी बच्चा है। गिरा बच्चा? बच्चा सर यानी कि 10:22 में यहाँ बच्चा गिर गया था और यहाँ कोई शिक्षक नहीं था, बच्चा इधर उधर खेल उल रहा था। उसके बाद जब बच्चा गिर गया, एक टीचर आए जो मौलवी साहब हैं, ये आए। उसके बाद ये बच्चे को क्या देखेंगे, इधर फोन पे बात कर रहे थे, अंदर में बात कर रहे थे और बच्चा यहाँ गिरा पड़ा है। फिर गांव वाले लोग हम लोग देखे तो आए, बच्चा के सामने आए, उनसे पूछा गया सर कुछ व्यवस्था कीजिए, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चा की स्थिति क्या है? बच्चा का स्थिति जर्जर है सर, देखा जाए सामने देखिए, बच्चा बेहोश पड़ा था। हम लोग पानी उनी मार करके बच्चा को थोड़ा होश में लाए और उसके बाद अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस को भी कॉल किया है, हम लोग के पास व्यवस्था नहीं है सर, एम्बुलेंस को भी कॉल किया, अभी तक नहीं आया है। उनका पिताजी है, माता पिता बाद में आए और थोड़ा सा हौस हुआ तब। शिक्षक लोग क्या कर रहे हैं? शिक्षक लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, शिक्षक लोग इधर बैठे हैं, बाद में आए तो वो गेट से बाहर हैं। लगातार यहाँ की स्थिति यही है? लगातार की हर बार ये मीडिया पर जा रहा है सर, पिछले साल भी ऐसा हुआ, हम लोग ने ये किया, इन साल फिर हुआ। पिछले साल 15 अगस्त के शायद में उस टाइम हम लोग ये सब काम किए, इनको रोके राके, उस टाइम पैसा दे करके सर ऊपर में पैसा दे देता है, बाकी मैनेजमेंट यहाँ कुछ नहीं, पैसा दे देता है फिर यहीं पोस्टिंग कर देता है। और शिक्षा में कोई सुधार नहीं, देखिए ना सर मेरा स्कूल, वो छत गिर जाएगा कोई सुरक्षा है? यहाँ से यहाँ रस्सी भी बांध देता सर तो वो छत गिरने वाला है, बच्चा वहाँ जाएगा और छत गिर जाएगा तो क्या करेगा? अभी एक बच्चा गिर गया, इस तरह तो किसी का भी बच्चा गिर सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव हुआ। मास्टर आया।
हाँ। जो बच्चा गिरा है वो पढ़ने आता था हाँ, डेली दो महीना से आए रहते बच्चा समय पर आया, उसके बाद वो शिक्षक ने रहने के कारण वो लोग खेलने गया और गिर गया। क्या नाम हुआ आपका? ये जो है रसैया दोनों दौड़ के आई है बाहर में, बोले कि देखो देखो दौड़ के बचवा गिर गया है। हम दौड़ के आए यहाँ, जब बचवा देखते हैं कि एकदम गिरल है, खून से लथपथ है, उसके बाद देखते कोई मास्टर नहीं है। तब मदन जी, क्या नाम है उनका, अबू फजल जी, वो देखते हैं कि इधर से आ रहा है। उस समय 10 बज रहा था। अब बताइए 10 बजे अगर शिक्षक आएगा तो क्या स्थिति होगा बच्चे का, और उसमें बच्चा जो है बेहोश पड़ा हुआ है। इसके बाद भी शिक्षक की कोई नहीं है, शिक्षक 10-22 में आया। हाँ, जब वहाँ बच्चा गिरा हुआ है उसके बाद शिक्षक उधर से आते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम घटा। क्या मामला? वो बच्चा आया था स्कूल, उसके बाद जो है ऐसे कोई मास्टर नहीं था रसोईया वाला यहाँ पर। शिक्षक यहाँ कितने बजे पहुँचते हैं? 10:22 जो है 22 मिनट में जो है बच्चा ये हुआ है। लेकिन शिक्षक यहाँ मौजूद नहीं था। बच्चा को फिर ग्रामीण देखा, उसके बाद सुलाया उलाया ऐसे किया, हो सास किया, उसके बाद जो एक टीचर आया अब पूजल जी, उसके बाद वो फोन पर बात कर रहे थे कहीं, उसके बाद ग्रामीण फिर उसको पानी उनी मार के। प्रभारी या कौन प्रभारी, क्या नाम? आनंद कुमार यादव। वो नहीं आते? नहीं, वो नहीं, वो उसको बोला कोई मर गया है, वो हम नहीं आ पाएंगे। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुंडला है और यहाँ की स्थिति दयनीय है। मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ लोग काफ़ी आक्रोश हैं और काफ़ी मतलब कि आक्रोश में हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस समय बच्चा पढ़ने के लिए आया था और वो समय था लगभग स्कूल के टाइम में आ गया, लेकिन एक भी शिक्षकों की उपस्थिति ना नहीं थी यहाँ। और इसी दरमियान बच्चे स्कूल के छत पे जाने के बाद बच्चा गिर गया, इसके बाद भी शिक्षकों की इतनी लापरवाही सामने आ रही है कि ग्रामीण काफ़ी आक्रोश है और उन्हें ना ही तो अभी तक कोई ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। जब ग्रामीणों को पता चला, उन लोगों ने बच्चे को इलाज कराया, लेकिन बच्चे की स्थिति काफ़ी दयनीय नज़र आ रही है। और जिस तरह से यहाँ इस स्कूल में पूरे ज़िले में सबसे चर्चित स्कूल है कि यहाँ लगातार मामला सामने आ रहा है और यहाँ के जो प्रभारी हैं बिल्कुल मनमाना ढंग से कार्य करते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं। और जिस तरह से महिलाएँ देख रहे हैं कि काफ़ी गम में है, क्योंकि बच्चे का स्थिति देख के कोई भी परेशानियां पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से दे सकते हैं।